आपको मैंने कितना मिस किया। अब क्यों मुझे छोड़ के चली गई थी? आपका काम आपके लिए मुझे ज्यादा जरूरी है। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। मैंने आपके बिना कैसे दिन काटे आपको पता है? रोज कितने याद करती थी आपको। मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब दोबारा आपको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, समझ गए ना आप? I love you, mama. Mama, कभी मत जाना मुझे छोड़ के। चलो मेरे साथ आपको कुछ दिखाना, चलिए ना प्लीज। चलो ना मम्मा, आपको कुछ दिखाना है, चलो ना। चलो ना मम्मा, चलो। मम्मा ये देखिए। आपको याद है ना, अपने जाने से पहले मेरी हाइट यहाँ मार की थी। अब देखिए ना, मेरी हाइट बढ़ गई है ना, पूरे 1 इंच बढ़ गई है। देखिए मार्क ऊपर है ना। ये लो मम्मा, आज नया मार्क लगा दो, हम थोड़े दिनों बाद वापस से चेक करेंगे। लीजिए ना मम्मा, लो ना पेन, मार करो। अच्छा मम्मा, अब ये छोड़ो, अब मेरे साथ आओ। आपको एक चीज दिखाती हूँ, बैठिए। ये देखिए, मेरे हाइट के साथ मेरे बाल भी लंबे हो गए। लेकिन मम्मा, मेरे बाल रूखे हो गए हैं। आप नहीं थे ना, तो पापा कभी कभी ऑयल लगा देते थे बालों में। लेकिन पापा आप जैसे अच्छे से नहीं लगा पाते थे, है ना पापा? आप टच करके देखिए ना। देखिए ना मम्मा, कितने रूखे हो गए हैं, है ना? लेकिन अब आप ऑयल लगा के ठीक कर देंगी ना? अच्छा एक मिनट, हम मम्मा आपको कुछ अभी दिखाती हूँ। मम्मा ये देखिए, पापा ने मुझे नई ड्रेस दी है, अच्छी है ना? मेरा बर्थडे आएगा ना, मैं तब पहनूंगी इसे। मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? देखा अस्मिता, हमारी कृषि आपको कितना मिस करती है। अगर अब आप कहीं गई ना, तो फिर देखिएगा हम आपका क्या हाल करते हैं। परिमा प्लीज, आप मेरी मम्मा को मत डांटिए, मुझे अच्छा नहीं लगता।
ऑफ माय मम्मा। मेरे मम्मा को कोई नहीं डांटेगा। अगर आपको डांटना है तो मुझे डांटिए। ओह अच्छा जी, हम आपकी मम्मा को नहीं डांटेंगे, लेकिन आपको हमारी एक बात माननी होगी। हाँ क्या? आपकी दवाई का वक्त हो गया है, चलिए दवाई खा लीजिए। मम्मा कुछ कहे और केशव न माने, ऐसा हो सकता है? मैं अभी आती हूँ मम्मा, आप यहाँ से जाने मत, ठीक है? हाँ हाँ मम्मा कहीं नहीं जाएंगे, आइए आप चल। सोचा था उससे भी ज्यादा मुश्किल दिख रहा है ये सारा चक्कर। अस्मिता की तरह एक महान माँ बनना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है देविका। प्लीज मेरी बच्ची, मेरी कृषि मुसीबत है, उसे बचाने के लिए हमें तुम्हारी तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज इस वक्त तुम्हारे सामने अस्मिता ने एक एक माँ अपनी बच्ची के लिए गिड़गिड़ा रही है, इस माँ का दर्द समझने की कोशिश करो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नो मैटर व्हाट, मुझे देविका से पेपर साइन करवाने ही होंगे। क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ, क्या काम है? ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? खुद पढ़ लो। Rubbish is this? तुमने मेरी माँ के लिए, मेरी मदद की, उनकी सर्जरी के लिए पैसे दिए, उस एहसान का बदला चुकाने मैं यहाँ आई हूँ तेरी मदद करने, और तू चाहता कि मैं इस स्टूपिड सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करूँ, वो भी 3 महीने तक बाइंडिंग? ओ हेलो, मैं ना कोई बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। तेरा एहसान मुझे सिर पर नहीं चाहिए था, इसलिए मैं आई हूँ। ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं यहाँ तेरे इशारों पर नाचूंगी, समझा ना? मैंने कहा तुमसे कि तुम मजदूर हो? कहा? नहीं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मैं तुमसे इसलिए साइन करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं है तुम पे। क्या है ना कि तुम्हारा जो नेचर है वो हेल्पिंग वाला है ही, क्योंकि अगर तुम्हें हेल्प करना आता तो ये सिचुएशन आती ही नहीं ना। क्या है ना देविका, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है ना, तुम्हारा मूड तो कभी भी बदल सकता है, कभी भी तुम बोल सकती हो कि अब मेरा हेल्प करने का मन नहीं कर रहा है, तब मैं रिस्क तो नहीं ले सकता ना। कृषि की जिंदगी का सवाल है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स तुम्हें साइन करने ही पड़ेंगे ताकि मुझे तसल्ली हो जाए और तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास। Sign it, Devika.
तुम्हारी कॉपी, मैंने ऑलरेडी साइन करके रखी थी तुम्हारी तसल्ली के लिए। क्या है ना देविका, मेरी बेटी ठीक हो जाए सिर्फ इसी इंटेंशन से मैं तुम्हारी मदद ले रहा हूँ। इसके अलावा मैं दूर दूर तक तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। चलो ये भी अच्छा है, अब कुछ गलत होने का चांस ही नहीं होगा। अब तो सब ठीक हो रहा है ना शान, तो फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? पता नहीं मम्मा, आई जस्ट होप कि कृषि की रिपोर्ट पहले से बेटर है। बेटर ही आएंगी, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो भगवान आपके साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। यही उम्मीद करता हूँ मम्मा कि सब कुछ ठीक हो जाए। कृषि को ऐसे नहीं देख सकता मैं, उसे जल्द से जल्द ठीक करना है मुझे, किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दे सकता। डॉक्टर, डॉक्टर रिपोर्ट्स कैसे? ये लीजिए। क्या हुआ शान, सब ठीक है ना? बोलिए शान। आपने दोपहर की मेडिसिन तो खा ली है, तो कम ऑन, अब आप ना थोड़ा आराम कीजिए। ओके मम्मा, प्लीज मेरे पास रहो ना। ओ गॉड, फिर से मैं। मामा तो यही है ना आपके पास, है ना? एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए, उससे ना आपको थोड़ा आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा तो फिर दवाई का असर भी तो होगा ना, तो आप सो जाइए। मैं यही हूँ आपके बाजू में। ओके, यही हूँ मैं। मम्मा, मैं पापा है आपके बगैर नहीं रह सकती, अगर आप फिर से चली गई ना तो मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी, देखना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। अगर आपकी तबीयत और खराब हो गई तो फिर पापा का क्या होगा, उनकी हालत क्या हो जाएगी, सोचा है इस बारे में? वो आपके बगैर कैसे रह पाएंगे? पापा नहीं रहेंगे मेरे बगैर, आप रह लोगे? मेरा मतलब था कि मैं आपके बगैर तो नहीं रह सकती, पर आप तो पापा की प्रिंसेस है ना, जान है उनकी, है ना? है ना? हाँ, वो तो मैं हूँ। हाँ, तो बस इसलिए तो मैंने ऐसा बोला। मैं पापा और आपसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन पापा से थोड़ा सा ज्यादा। अच्छा, ऐसा? ओके। पापा है भी तो बेस्ट ना मम्मा, है कि नहीं बेस्ट, बोलिए ना मम्मा, मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना? हाँ, वो तो है। I love my papa। अब पापे बोलिए I love शान मजुमदार। क्या? I love शान मजुमदार, बोलिए ना मम्मा। अब पापे बोलिए I love शान मजुमदार, बोलिए ना मम्मा। कृषि, ये क्या बात हुई? अभी तो दवाई लेकर भी बहुत वक्त हो गया है, आप ना सो जाइए, वरना दवाई का असर नहीं होगा। पहले आप बोलिए।
कैसी जिद है बेटा। नहीं अब बोलिए वरना मैं सोऊंगी नहीं। फिर मत कहना दवाई का असर नहीं हुआ। बोले ना मम्मा, अल्लाह हो शान मजुमदार। प्लीज मम्मा बोलिए ना, बोलो ना मम्मा, बोलो प्लीज प्लीज मम्मा, बोलो प्लीज बोलो मम्मा। आए लव शान मौजूमदार। आई लव यू बोथ। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। अब सो जाइए मम्मा। प्लीज आप मत जाइए। सब क्या अनाप शनाप सोच रही हूं मैं। ओ गॉड, ये किस सिचुएशन में फंसती जा रही हूं। बोलिए निशान, क्या लिखा है रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच डॉक्टर, कृषि की रिपोर्ट बहुत जल्द बहुत बेटर हो गई है। मिस्टर मजुमदार, इसकी वजह आप ही हैं। आप जो अस्मिता जी की हम शक्ल को अस्मिता जी बनाकर लाए, इसकी वजह से कृषि की हालत में काफी सुधार आया है। मिस्टर मजुमदार जी, एक और इम्पोर्टेंट बात, कृषि की हार्ट सर्जरी से पहले उसके इमोशनल स्टेट का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जब तक उसकी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं हो जाती, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ ऑपरेशन डिले करना भी रिस्की है। सो बेहतर होगा कि हम ये ऑपरेशन जल्द से जल्द कर लें। डॉक्टर, अभी तो कृषि की रिपोर्ट्स बेटर है, राइट? उसकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कृषि को कोई सदमा ना लगे। मेरा मतलब है कि इस बात का ध्यान रखिए कि कृषि को इस बात का पता ना चले कि वो देविका उसकी माँ नहीं है, उसकी हमशक्ल है। क्या है कि दिल में छेद होने के कारण वो काफी कमजोर हो गई है। कोई भी झटका या सदमा उसके लिए जानलेवा हो सकता है। मिस्टर मजुमदार, संभालिए अपने आप को। आजवी मम्मा भी मेरे पास मेरे साथ होती। चाहत बेटा, चाहत 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 बेटा, बेटा क्या हो गया बताइए। अपन बुरे पापा, आई हेट यू। मुझे आपसे बात नहीं करती, अब जाइए यहाँ से।
आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आखिर हुआ क्या है? क्या हो गया बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रही? पापा से कोई गलती हुई है? अक्रिशि के पापा को लाए और मेरी मम्मा को नहीं लाए। ऋषि की मम्मा भी तो मेरी पापा की दास नहीं बन गई थी ना? तो अगर आप ऋषि की मम्मा को ला सकते हो तो आप मेरी मम्मा को क्यों नहीं ला सकते?